2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही वैसे हरेक राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। गौरतलब है कि सपा शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक सपा ने यादव कुनबे के प्रभाव वाली 6 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान किया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जहां मैनपुरी से चुनावी किस्मत आजमाएंगे, जबकि सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय प्रताप यादव फिरोजाबाद से अपने चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ ताल ठोकेंगे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। इसमें मुलायम सिंह यादव अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव बदायूं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, इटावा से कमलेश कठेरिया, बहराइच से शब्बीर वाल्मीकि और रॉबर्ट्सगंज से भाई लाल कोल के नामों का ऐलान किया गया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सपा महासचिव रामगोपाल यादव से एक सियासी अदावत के चलते ही फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि सपा ने इस सीट पर एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद अक्षय यादव को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में फिरोजाबाद सीट पर चाचा भतीजे के बीच घमासान होगा। बता दें कि शिवपाल और रामगोपाल के बीच बीते 2.5 साल से तलखी बढ़ी है। सपा में विभाजन से पहले ही दोनों के बीच सियासी दुश्मनी बढ़ गई थी। रामगोपाल जहां अखिलेश यादव के साथ खड़े थे, वहीं शिवपाल मुलायम के साथ खड़े थे। सपा के विभाजन के बाद शिवपाल रामगोपाल के बीच की दरार और भी गहरी हो गई। सपा बसपा गठबंधन बनने के बाद रामगोपाल यादव ने अपने बेटे को फिरोजाबाद से उतारा है, लेकिन जिस तरह से फिरोजाबाद में यादव समुदाय के बीच शिवपाल यादव ने अपनी पकड़ बनाई है। फिरोजाबाद के सिरसागंज से विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी रामगोपाल के खिलाफ बगावत का झंडा उठाए हुए हैं और शिवपाल के साथ खड़े दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सपा पूर्व विधायक मोहम्मद अजीम भी शिवपाल के साथ है। फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव की राह आसान नहीं है। 2014 के चुनाव में अक्षय यादव ने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल से 1,14,059 वोट से जीत हासिल किया था, लेकिन इस बार शिवपाल के ताल ठोकने से उनकी राह और भी मुश्किल भरी नजर आ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में फिरोजाबाद की 5 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट जो सपा को मिली थी वो भी बगावत करके शिवपाल के साथ है। इसके अलावा शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाने के बाद जिस तरह से फिरोजाबाद को टारगेट किया है, उससे रामगोपाल यादव के बेटे की राह कांटों भरी नजर आ रही है।